मिताली, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। स्टार्ट करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट क्वेश्चन नंबर टू में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब हमें पता है, हमने इससे पहले भी एक वीडियो में जब इंडेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, देन ऑन पेज नंबर 63 पे हमारा एक सेम क्वेश्चन था जहां पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस बताना था, है ना। तो हम क्योंकि वहां पर कर चुके हैं, इसलिए मैंने अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको। तो कई कई बार हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। हमारे को पता गया है कि अगर हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर मतलब कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है या डैमेज हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो क्या होगा उसके बाद। अब सोचने वाली बात है, हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि हमारा मेम्ब्रेन बेसिकली करता क्या है। मेम्ब्रेन क्या है एक सेल के लिए? मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम करता है, बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे सेल के, और सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, उसके प्रेजेंट हुए उसके सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, वो सबके लिए क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। तो आप यही सोचो आप कि अगर मेरा जो ये सेल है, यहाँ पे अंदर सारा जो है सेल का मटेरियल है, ठीक है, ये इनसाइड की सेल का मैंने तो अगर ये उसकी ब्रेक डाउन कर जाएगी या फिर रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, सारा जो सामान है बेसिकली अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो इजीली अंदर बाहर हो सकते हैं, अंदर का सामान सारा बाहर निकल सकता है। सामान यानी कि मैं क्या रेफर कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी न्यूक्लियस एंड दी ऑल दी ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हमारा जो इनसाइड मटेरियल है वो क्या होता है, इजीली अंदर बाहर, तभी बाहर का मटेरियल है वो भी अंदर आ सकता है। तो भाई हमने अपने आंसर मेंशन करना है, ठीक है, क्या लिखना है हमें इसमें, इफ दी सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स द कंटेंट ऑफ दी सेल और आउटसाइड दी सेल, जितना भी कंटेंट हमारे सेल के अंदर है या फिर सेल के बाहर है, ठीक है, इट कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ दी सेल, तो दैट मीन्स कि वो हमारे सेल से इजीली अंदर बाहर हो सकता है। पहले ये भी पढ़ा है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमीएबल था, यानी कि वो हर एक को इजीली अंदर और बाहर आने जाने नहीं देता। मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो आप खुद सोचो रोकने वाला कौन है, भाई दरवाजा अगर हटा दिया गया है तो अंदर आने का रास्ता बन गया ना, उसको कोई बाउंड्री तो मिल नहीं रही है, तो बस सारा मटेरियल अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है, सो इससे होगा क्या, इवेंचुअली इससे हमारा सेल मर जाएगा। ठीक है, द सेल विल इवेंचुअली डाई, व्हाई डज इट, बिकॉज एज द प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल विल बी लॉस्ट, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल की हम कौन सी बात कर रहे हैं, वो हमारे सेल के सारे अंदर के जो कंटेंट्स थे ना, जैसे कि यहाँ हमारा न्यूक्लियस हो गया, बाकी छोटे छोटे हमारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, तो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल वही कहलाया जाता है। ठीक है, तो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करता है तो सभी कंटेंट अंदर बाहर होना शुरू हो जाएगा, और इनसाइड द सेल जितना भी कंटेंट है अगर वो बाहर निकल जाता है तो बेसिकली हमारा सेल अंदर से क्या होगा, इट विल डाई इवेंचुअली, क्योंकि वो अपने सारा प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल क्या करेगा, लॉस्ट कर देगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर आल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी और तरीके का आप मेरे से पूछना चाहते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अप टिल देन, बाय।